सड़कों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देने और कोरोना से बचाव के लिए जागरूक करने के लिए जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। डीसीपी ट्रैफिक श्वेता धनखड़ ने शहर के अजमेरी गेट पर ट्रैफिक कंट्रोल रूम यादगार के बाहर जागरूकता अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। डीसीपी ट्रैफिक श्वेता धनखड़ ने वाहन चालकों को पोस्टर और पैम्फलेट के जरिए ट्रैफिक सिग्नल के बारे में जानकारी देकर सख्ती से नियमों की पालना करने की नसीहत दी। वहीं कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने का संदेश दिया। ट्रैफिक पुलिस की ओर से 20 जगहों पर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत वाहन चालकों को मास्क भी बांटे गए। आज हर एक व्यक्ति कोरोना की लड़ाई से जूझ रहे हमारे सभी कोरोना योद्धा और सभी को मैं सबसे पहले सलाम करती हूँ। और ये जो मास्क जो है, ये जन जागरूकता अभियान जो चला है अपना, ये सभी लोग स्व अनुशासन रखे अपने जितने भी सभी नागरिक हैं, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। आप जो लोग हैं बिना मास्क के अगर आप बाहर घूमेंगे और घर में आएंगे, घर में आपके बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको जो है संक्रमण का खतरा रहता है। इसलिए कृपया जो है SMS का पालन करें, सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, और एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाए। जो सेकंड लेयर है, लहर है, ये फर्स्ट लहर से ज़्यादा खतरनाक है। इसमें लगभग प्रति तीसरे व्यक्ति को कोरोना हुआ है। और कृपया जो है मास्क जो है ये सबसे बड़ी वैक्सीन है, मास्क का सभी उपयोग करें। जयपुर की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस की गैर मौजूदगी से नियम तोड़कर गाड़ी ले जाना महंगा साबित हो रहा है। शहर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक अब प्रमुख चौराहों और सड़कों पर लगे CCTV कैमरों में कैद हो रहे हैं। शहर में लगाए गए CCTV कैमरे ट्रैफिक पुलिस के लिए कारगर साबित हो रहे हैं। DCP ट्रैफिक श्वेता धनखड़ ने बताया कि CCTV कैमरों के जरिए ट्रैफिक पर निगरानी रखी जा रही है। प्रमुख सड़कों और चौराहों पर लगाए गए CCTV कैमरे कारगर साबित हो रहे हैं। इन कैमरों के जरिए पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रही है। वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालान कर रही है। आने वाले दिनों में शहर में CCTV कैमरों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। अभी उसको किए हुए अभी 10 दिन हुआ है, 10-15 दिन हुआ है, तो उसमें जो रिपोर्ट है अभी तक कोई ऐसा मेरे पास नहीं आया जिसमें अपन कह सके कि कुछ पॉजिटिव ही अभी चल रहा है। और हमारा रहेगा कि क्योंकि एनफोर्समेंट हम अच्छा करा रहे हैं और ये लोगों पे भी है कि वो जो है ध्यान से रहे, ध्यान से चलाएं, क्योंकि जितने भी दुर्घटना संभावित इलाके हैं उनके आगे हम जो है फ्लैक्स बोर्ड लगवा रहे हैं, ताकि गाड़ी की जो गति है सबसे ज़्यादा कारण एक्सीडेंट्स का है ओवर स्पीडिंग। अगर गाड़ी की गति को थोड़ा धीमा कर लेंगे तो एक्सीडेंट का जो क्षति है